रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब पंच तत्व में विलीन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। 86 साल की उम्र में बुधवार रात को निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई के NCPA ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां भारी तादाद में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताओं से लेकर अभिनेता, खिलाड़ी और आम लोग तक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुलझे, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिरला और रवि शास्त्री ने NCPA ग्राउंड पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अंतिम विदाई देने वालों में रतन टाटा के प्रिय मित्र गोवा भी पहुंचे। गोवा उनके डॉगी का नाम है। रतन टाटा के प्यारे दोस्त गोवा मुंबई के NCPA लॉन पहुंचे और रतन टाटा को अंतिम विदाई दी। कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी, अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं नहीं, इनको बहुत, इनसे बहुत लगाव है और कुछ नहीं बोल सकते। गोवा, ये गोवा से आया, इसके लिए गोवा राम रखा। कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी, अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं नहीं, इनको बहुत, इनसे बहुत लगाव है। और इससे पहले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि रतन टाटा जी के निधन पर शोक व्यक्त करने वाले लाखों भारतीयों में शामिल हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की। रतन टाटा जी को हमेशा देशभक्त और अखंडता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वे सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। जब भी मैं उन्हें राष्ट्रपति भवन में भोज के दौरान आमंत्रित करता था, इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होने के बावजूद मैंने उनकी विनम्रता देखी कि वे कभी भी हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक नहीं लगते थे। वे एक देशभक्त, एक साधारण व्यक्ति लगते थे और हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करते थे। मैंने देखा कि उनकी सोच बहुत अच्छी थी। ज़्यादातर उद्योगपति पैसे के लिए उद्योग लगाते हैं, लेकिन वे सभी से कहते थे कि अगर आप लोग उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमेशा राष्ट्रहित होना चाहिए। जब हम टाटा समूह के किसी भी उद्योग को देखेंगे तो हमें उनमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रहित ही दिखेगा।